नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुरमीत और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल सोल बाइकर्स। दोस्तों स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज हम कंपेयर करने वाले हैं दो फैमिली स्कूटर। तो एक है सबका चहेता TVS iQube और एक है अभी जो नया लॉन्च हुआ है, लेटेस्ट लॉन्च हुआ है, जिसका आप सभी से गहरा रिश्ता जुड़ने वाला है, वो है एथर का रिश्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर। तो भैया दोनों के बारे में हम बात करेंगे, देखते हैं कौन सा स्कूटर जो है किस फील्ड में ज़्यादा बेहतर निकल के आता है, नंबर्स के मामले में कंपेयर करते हैं। शुरू करते हैं वीडियो को, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिएगा, ताकि मेरे वीडियोज आपको सबसे पहले देखने को मिल सके। दोस्तों शुरुआत करते हैं मोटर से और iQube इसके अंदर आपको मिलती है 4.4 किलोवाट के पीक पावर वाली हब मोटर मिलती है आपको इसके अंदर। और भैया ये है IP67 की जो है डस्ट एंड वाटर रेसिस्टेंस आपको मिल जाता है, तो बढ़िया मोटर है, कोई दिक्कत नहीं है। हब मोटर मिलती है। बात करें एथर के अंदर, तो एथर में आपको जो है 4.3 किलोवाट की आपको जो है मोटर मिलती है। IP66 जो है यहाँ पर रेटिंग है, तो यहाँ पर भी जो वाटर एंड डस्ट रेसिस्टेंस है आपको बढ़िया मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर। बात करें कि भैया ज़्यादा बढ़िया कौन सी, देखो जो एथर की रिश्ता है ज़्यादा बढ़िया मोटर है, लेकिन हाँ ऐसा भी नहीं कि जिसमें हब मोटर है तो परफॉर्मेंस आपको कम मिलेगी, परफॉर्मेंस आपको जो है इसके अंदर ज़्यादा मिलेगी, इसके अंदर कम मिलेगी, लेकिन प्रेफरेंस में आप देखें तो यहाँ पर जो है ज़्यादा पावर निकालता है। तो भैया यहाँ हम जो है एक पॉइंट दे देंगे iQube S को, और हब मोटर का जो मेंटेनेंस है वो भी कम है, हालांकि एथर का भी कुछ खास मेंटेनेंस है नहीं, लेकिन कंपेयर करें तो भैया हब मोटर जो है ईजी रहता है, बाद में कोई प्रॉब्लम आए तो भी जो है कोई दिक्कत जो है नहीं आती इतनी। तो यहाँ पर बेल्ट वेल्ट की टेंशन भी नहीं होती लोगों को, क्योंकि एथर के अंदर आपको जो है बेल्ट की प्रॉब्लम जो है शुरू में काफ़ी देखने को मिली थी, तो यहाँ हम इसलिए एक पॉइंट देना चाहेंगे TVS iQube को। बात करते हैं दोस्तों टॉप स्पीड के बारे में, तो 78 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड आपको जो है इसमें TVS iQube में मिल जाती है, और जो 0 to 40 करता है 4.2 सेकंड के अंदर ये स्कूटर कर जाता है, जो कि बहुत ही बढ़िया है, और कभी कभी मीटर के अंदर 80 किलोमीटर पर आवर पर भी पहुंच जाता है, मैंने जो है चला के देखा हुआ है। आपको जो है राइडिंग एक्सपीरियंस का वीडियो जो है चैनल पर मिल जाएगा। तो बात करें एथर रिश्ता के बारे में, तो यहाँ पर आपको जो है 80 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड मिल जाती है और 0 to 40 करता है 4.7 सेकंड के अंदर। अगर आप 0 to 40 छोड़ दें, दोनों स्कूटर जो है बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो है काफ़ी बढ़िया स्पीड मिल जाती है, 78-80 किलोमीटर की स्पीड जो है काफ़ी अच्छी होती है। परफॉर्मेंस देखा जाए तो 0 to 40 ऑब्वियसली पावर मोड के अंदर भैया जो iQube है ज़्यादा बेहतर करती है, तो यहाँ पर एक पॉइंट हमें देना पड़ेगा TVS को, तो यहाँ पर एक पॉइंट फिर से जाता है TVS को, क्योंकि यहाँ थोड़ा अगर परफॉर्मेंस के हिसाब से देखेंगे कोई थोड़ा सा फैमिली में से परफॉर्मेंस की इतनी वैल्यू नहीं होती है, कोई भी जो है 0 to 40 करता नहीं है कि हाँ आप मम्मी लेके जा रहे हैं या फिर चाचा लेके जा रहे हैं या फिर अंकल लेके जा रहे हैं, तो भैया आपको जो है कोई भी फैमिली मेम्बर ये नहीं पूछेगा कि 0 to 40 कितने में होती है, कुछ फर्क पड़ता नहीं उससे। तो दोनों स्कूटर आप जो है कंसिडर कर सकते हो टॉप स्पीड के मामले में, लेकिन परफॉर्मेंस नंबर के हिसाब से हम जो है यहाँ पर देख रहे हैं, तो नंबर के हिसाब से एक पॉइंट जाता है TVS iQube S को। बात करें बैटरी के बारे में, तो बैटरी जो है यहाँ पर आपको मिलती है 3.04 किलोवाट आवर की, काफ़ी बढ़िया बैटरी मिलती है आपको, फिक्स बैटरी है इसके अंदर, रिमूवेबल भी नहीं है, IP67 की आपको जो है रेटिंग मिल जाती है। बात करें एथर के अंदर, तो यहाँ आपको जो है 2.9 किलोवाट आवर की बैटरी मिलती है, ये भी IP67 है, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, दोनों में जो है वाटर एंड डस्ट का रेसिस्टेंस आपको मिल जाता है। एक एक्स्ट्रा चीज़ जो आपको मिलती है एथर के अंदर वो ये है कि इसकी जो केसिंग आती है वो एल्यूमिनियम केसिंग आती है, जो कि काफ़ी बढ़िया है, ज़्यादा सेफ हो जाती है, हालांकि कभी iQube के अंदर भी कोई प्रॉब्लम जो है हमने अभी तक देखी नहीं है, और एथर में भी जो है ज़्यादा प्रॉब्लम हमने देखी नहीं है, तो एक तरह से सेफ्टी ज़्यादा है, एक तरह से जो हीट मैनेजमेंट है ज़्यादा बेहतर होता है एथर रिश्ता में ज़्यादा रहेगा, क्योंकि पहले हमने देखा जो एल्यूमिनियम की जो केसिंग है बैटरी की वो जो है ज़्यादा हेल्पफुल रहती है, जो हमारे टेम्परेचर्स वगैरह काफ़ी हाई हो जाते हैं। मैं राजस्थान से हूँ, यहाँ पर तो मामला 50 डिग्री पहुँच जाता है। तो भैया अगर आप थोड़ा सा एडवांटेज लेना चाहते हो क्योंकि ज़्यादा बेहतर टेक्नोलॉजी का एल्यूमिनियम केसिंग वगैरह का, तो आप जो है एथर पर जा सकते हो, वरना बड़ी बैटरी ऑब्वियसली सिर्फ बैटरी के हिसाब से देखें तो बैटरी बड़ी किसमें मिलती है भैया, बैटरी बड़ी मिलती है, थोड़ी सी बड़ी है TVS iQube S के अंदर, तो यहाँ पर इसी वजह से एक पॉइंट जाता है इसको, क्योंकि बैटरी बड़ी है, हम नंबर्स देख रहे हैं, थोड़ी सा क्वालिटी पे जाओगे तो यहाँ पर जो है आपको एल्यूमिनियम आपको जो है कास्ट मिल जाता है। तो वैसे मेरा मन कर रहा है इसको भी जो है एक पॉइंट में दे दूँ, क्योंकि भैया एल्यूमिनियम केसिंग जो है कोई देता नहीं है, तो मेरा पर्सनल जो है एक पॉइंट जाता है यहाँ पे एथर रिश्ता को भी। बात करते हैं चार्जिंग टाइम, क्योंकि चार्जिंग टाइम जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, 0 to 80 हम यहाँ देखते हैं, 0 to 100 नहीं देखते हैं, 80% देखें तो यहाँ पर 4.5 घंटे के अंदर ये चार्ज हो जाएगा TVS iQube, काफ़ी बढ़िया चार्जर मिलता है। 0 to 80 एथर
रिश्ते के अंदर देखें तो यहाँ पर जो है 6 घंटे 40 मिनट यानी कि भैया 6.5 घंटे लग जाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा है। 8.5 घंटे लगते हैं इसको 0 से 100 होने में। तो भैया चार्जिंग में तो भैया एकदम सरदर्द हो जाएगा, पूरी रात लगानी पड़ेगी, रात को 9 बजे से सुबह 9 बजे तक लगाना पड़ेगा। तो आधा टाइम तो चार्जिंग में जा रहा है, बहुत स्लो चार्जर आपको मिल रहा है एथर के अंदर। तो इस वजह से मेरी जो प्रेफरेंस रहेगी चार्जिंग के अंदर रहेगी TVS iQube S। तो भैया एक पॉइंट और जाता है यहाँ पे TVS iQube S को। बात करते हैं बूट स्पेस के बारे में, तो बूट स्पेस जो आपको मिलता है TVS iQube के अंदर 32 लीटर्स का। बात करें एथर रिस्ता के अंदर तो यहाँ मिलता है 34 लीटर्स का। तो फैमिली के हिसाब से प्रैक्टिकलिटी जो है काफ़ी बढ़िया है, एथर रिस्ता के अंदर काफ़ी बड़ा बूट स्पेस मिलता है। 6 पेन साइज जो है काफ़ी अच्छा है, दोनों गाड़ी का जो 6 पेन साइज है बूट का काफ़ी बढ़िया मिलता है, एकदम बड़ा आपको जो है बूट स्पेस मिलता है, कोई दिक्कत नहीं गाड़ी के अंदर। और 2 लीटर में कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन नंबर्स में जो है यहाँ पे ज़्यादा है एथर, तो हम नंबर्स को कंपेयर कर रहे हैं तो इस वजह से यहाँ पॉइंट जाता है एथर रिश्ता को। प्रैक्टिकलिटी के मामले में काफ़ी बढ़िया है, एसेसरी आप ले सकते हो एथर के अंदर, जो बैग आता है काफ़ी अच्छा लगा मुझे, तो आप वो भी ले सकते हो, तो उससे जो है तो प्रैक्टिकलिटी बढ़ जाती है फैमिली के लिए। बात करें रेंज के बारे में, क्योंकि सबको भैया चाहते हैं कि हमारी गाड़ी कितने किलोमीटर चले, हम फैमिली में जो है ज़रूरी होता है सब लोग चलाते हैं, तो 105 किलोमीटर की जो है क्लेम रेंज है इको मोड के अंदर TVS iQube S की। बात करें एथर रिश्ता की क्लेम रेंज की, तो यहाँ जो है 123 किलोमीटर की क्लेम रेंज है इको मोड के अंदर। तो क्लेम रेंज के अंदर देखा जाए तो इसकी जो है ज़्यादा है, इसलिए एक पॉइंट देंगे हम यहाँ पे। लेकिन दोनों की रेंज जो है एक्चुअल में जो प्रैक्टिकल कंडीशंस में बराबर निकल के आएगी, कुछ खास फर्क जो है आएगा नहीं, लेकिन नंबर्स में यहाँ पे क्लेम कर रहा है ज्यादा, तो यहाँ पर एक पॉइंट दिया जाता है एथर रिश्ता को, क्योंकि नंबर्स में क्लेम ज्यादा कर रहे हैं। हालांकि क्लेम करने में कुछ भी किया जा सकता है, ये जो है ज्यादा प्रैक्टिकल क्लेम है वैसे तो, लेकिन फिर भी ये भी जो है काफ़ी अच्छा क्लेम है। और एथर का जो बैटरी सिचुएशन वगैरह रहती है ना, एथर का जो मैनेजमेंट है बैटरी मैनेजमेंट वगैरह, वो जो है इस बार उन्होंने बेहतर किया है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्लेम इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि इस बार जो है काफ़ी बढ़िया जो है उनके पास डाटा वगैरह है एथर 450S का, एथर 450X का, तो इस वजह से उन्होंने क्लेम रेंज इस तरह की रखी है। तो मेरी इस वजह से जो है, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है और काफ़ी मार्केट में उन्होंने रिसर्च वगैरह किया है, R&D किया है पर्सनली भी, तो भैया ये इस वजह से एक पॉइंट जाता है यहाँ पे रेंज के मामले में एथर रिश्ता को। बात करते हैं ग्रेडेबिलिटी के बारे में कि अगर आप पहाड़ों वगैरह पर रहते तो कौन सी स्कूटर जो है आपको ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा फ्लाईओवर है आपके यहाँ, ज़्यादा जो है चढ़ाई वगैरह ज़्यादा है आपके एरिया के अंदर, तो कौन सा स्कूटर बढ़िया रहेगा। तो यहाँ पर TVS iQube के अंदर जो ग्रेडेबिलिटी मिलती है वो मिलती है 10 डिग्री की, अगर हम एथर रिश्ता के अंदर देखें तो 15 डिग्री की ग्रेडेबिलिटी मिल जाती, तो सीधा सीधा यहाँ पे विनर है एथर रिश्ता। तो ज़्यादा आप पहाड़ों में रहते हो तो आप जो है मिड माउंट मोटर यूज कीजिए, हब मोटर में जो है इतनी ग्रेडेबिलिटी नहीं आती है, सीधी सीधी बात यही है यहाँ पे। दोस्तों बात करते हैं टायर्स के बारे में, टायर में अगर हम देखें iQube के अंदर तो फ्रंट एंड रियर के अंदर आपको मिलता है 90x90 12 इंच का आपको व्हील मिल जाता है, और ये अलॉय व्हील आता है डायमंड कट जो है बढ़िया डिजाइन में आपको मिलेगा। वहीं बात करें रिश्ता के अंदर तो आपको फ्रंट में मिलता है 90x90 का 12 इंच का व्हील आपको मिलेगा, और रियर की बात करें तो 100x86 का टायर आपको मिलेगा, 12 इंच का व्हील मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जो पीछे का टायर सेक्शन है वो काफी अच्छा है, इस वजह से एक पॉइंट हम देंगे यहाँ पे एथर रिश्ता को। तो भैया यहाँ पर थोड़े ग्रिप वगैरह ज़्यादा अच्छी मिल जाएगी, इस वजह से यहाँ पॉइंट जाता है। हालांकि ग्रिप जो है TVS iQube की भी इतनी कोई ऐसी बुरी बुरी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा टायर और ब्रॉड टायर होने की वजह से हम यहाँ पे एक पॉइंट देंगे रिश्ता को। बात करें ब्रेक्स के बारे में, तो ब्रेक जो है यहाँ पे आपको मिलता है फ्रंट में iQube के अंदर 220mm का डिस्क मिल जाता है, जो कि बहुत बढ़िया काम करता है, मैंने जो इसकी ब्रेकिंग वगैरह चेक की हुई है, वीडियो आपको मिल जाएगा नीचे। बात करें रियर के अंदर 130mm का वो ड्रम मिल जाएगा, कंपेयर करें रिश्ता से तो आपको फ्रंट में मिलेगा 200mm का डिस्क ब्रेक जो कि 20mm छोटा है, और रियर में लेगा 130mm का ड्रम ब्रेक। तो भैया यहाँ पर साफ साफ जो है 20mm बड़ा है डिस्क ब्रेक TVS iQube के अंदर, तो एक पॉइंट जाता है यहाँ पे TVS iQube को। बात करते हैं दोस्तों डैशबोर्ड की, तो यहाँ पे आपको मिलता है 7 इंच का TFT डिस्प्ले, टच स्क्रीन आपको इसमें नहीं है, वो ST के अंदर आता है जो कि बहुत महंगा हो जाता है। तो भैया यहाँ पर जो है वो काफ़ी बढ़िया है, कलरफुल है, क्लियरली विजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको जो है 7 इंच का डीप व्यू डिस्प्ले मिलता है, इसकी क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है, आपको 10x10 नेविगेशन भी मिल जाएगा इसके अंदर, भी मिलेगा ऐप के द्वारा, जो कि भैया काफ़ी बढ़िया। दोनों स्क्रीन जो है काफ़ी अच्छी है, दोनों का अपना अपना क्वालिटी है, दोनों का अपना अपना जो है एक पॉजिटिव वाइब्स हैं दोनों के अंदर, इसमें भी काफ़ी कलरफुल मिलता है, इसमें भी आपको काफ़ी कलर्स जो है मिल जाते हैं, तो दोनों का डिस्प्ले मुझे अच्छा लगता है। अगर आपको थोड़ा सा ऐसा कलरफुल ज़्यादा चाहिए तो आप ये ले सकते हैं, ये जो है आपको थोड़ा सा नेगेटिव टाइप डिस्प्ले देखने को मिलेगा, लेकिन दोनों जो हैं काफ़ी अच्छे डिस्प्ले हैं, इस वजह से क्वालिटी वाइज जो है मुझे डीप व्यू डिस्प्ले एथर का काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी कलरफुल भी लगता है, इसलिए मैं वैसे दोनों को एक एक पॉइंट जो है देना चाहूँगा
यहाँ पे पर्सनली, क्योंकि ये जो डिस्प्ले है DPU डिस्प्ले, ये भी बहुत अच्छा डिस्प्ले है। बात करें सस्पेंशन के बारे में, सस्पेंशन आपको मिलता है डुअल टेलीस्कोपिक, आपको यहाँ पर जो है पीछे और आगे जो है आपको डुअल टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाएगा, आगे भी पीछे भी मिलेगा। बात करें यहाँ पर आपको जो रिश्ता के अंदर आगे जो है डुअल टेलीस्कोपिक मिलेगा, लेकिन पीछे आपको जो मिलेगा फोनोशॉक मिलेगा। तो भैया यहाँ पर आपको जो है मोनोशॉक मिलता है, जो कि अपना अपना प्रेफरेंस है। देखो अगर किसी को पीछे जो है डुअल स्प्रिंग वाला चाहिए तो ये ले लो, पीछे किसको मोनोशॉक चाहिए वो ये ले लो। वैसे लोग प्रीफर करते हैं पीछे जो है डुअल कॉइल स्प्रिंग वाला सस्पेंशन। तो सस्पेंशन देखो अपनी चॉइस से इसमें क्या नंबर दें, ठीक है। मोनोशॉक वैसे काफ़ी बढ़िया काम करता है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा, काफ़ी ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके जो है एथर ने लगाया है। लेकिन अगर आपको चाहिए ये वाला तो ये भी ले सकते हो। मेंटेनेंस किसी का भी जो हाई नहीं है, किसी का लो नहीं है, मुझे जो तो दोनों बढ़िया लगते हैं, इसलिए एक एक पॉइंट जो है मैं यहाँ पे दोनों को दे रहा हूँ। तो आप जो है अपने हिसाब से चॉइस जो है रख सकते हैं। मेरे हिसाब से दोनों बढ़िया आते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती, कोई भी आप ले सकते हो। बात करें कर्व वेट के बारे में, तो 118.8 किलो का जो है TVS iQube S के अंदर मिलता है। इसके अंदर देखें रिश्ता S के अंदर तो यहाँ पे जो है 119 किलो का कर्व वेट मिलता है, 200 ग्राम जो है ज़्यादा है, मतलब 200 ग्राम वजन जो है रिश्ता का ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या पॉइंट दे वजन में, कुछ 200 ग्राम के लिए वजन किसी को पॉइंट नहीं देंगे, दोनों बराबर हैं। 770 mm की यहाँ पे सीट हाइट मिलती है दोस्तों TVS iQube के अंदर। वहीं सीट हाइट देखें रिश्ता की तो 840 mm है। हमारे इंडिया में भैया जो नॉर्मल हाइट है उसके हिसाब से हम देखें ना, तो ये सीट हाइट जो है ज़्यादा प्रीफर करेंगे लोग बैठने वगैरह में। आप जो है टेस्ट राइड जरूर लेना जब भी गाड़ी शोरूम में आए, अगर रिश्ता आप लेने की सोच रहे हो तो। मेरे मानना है कि अगर आप टेस्ट राइड लोगे ना ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि 840 mm का डिस्क ब्रेक क्या 840 mm की सीट हाइट जो है काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। अगर आपकी हाइट कम है, ज़्यादा लेडीज़ वगैरह चलाते हैं तो यह पैर जो है पहुँचने में दिक्कत आती है। जनरली लेडीज़ की हाइट जो है 5'5", 5'6", 5'4", 5'3" जो है इस तरह की होती हैं। मीडियम हाइट वाले लोग होते हैं, तो मेरी भी हाइट कुछ ज़्यादा नहीं है, 5'10" है। तो भैया 5'9", 5'10" जो है मैं भी नहीं चाहूँगा कि 840 mm वाला स्कूटर मैं चलाऊँ। मैं भी एक बार तो प्रेफर कर लूँगा ये वाला, वो ऑब्वियसली कुछ ज़्यादा ही मुझे अच्छा लगता है कि हाँ एथर लेना है, क्वालिटी लेनी है, ठीक है, मिड माउंट मोटर मुझे पसंद आती है तो मैं ले सकता हूँ। लेकिन जो ज़्यादातर लोग हैं ना सीट हाइट की वजह से ये स्कूटर लेना पसंद करेंगे, इस वजह से यहाँ पर एक पॉइंट जाता है, सीट हाइट का एडवांटेज जो है जाता है TVS iQube S को। तो ये पॉइंट जो है बहुत बड़ा जरूरी हो जाता है फैमिली के अंदर, क्योंकि फैमिली में क्या होता है ना अलग अलग हाइट के लोग होते हैं, तो सबके लिए जो है ये काफ़ी बढ़िया स्कूटर हो जाता है। इस वजह से यहाँ पर एक पॉइंट हम देंगे इसको। ग्राउंड क्लियरेंस देखा जाए, क्योंकि भैया सिटी में आजकल जो है कोई भी कहीं भी अपना जो है ब्रेकर बनाया था गलियों के अंदर, खंभे भी गाड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है, खंभा लिटा देते हैं लाके और जो है पत्थर से ब्रेकर बना देते हैं, कुछ भी हो सकता है अपने इंडिया में। तो भैया 157 mm का आपको जो है ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है iQube के अंदर, कहीं भी टच वच नहीं होती है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने चला के देखी ऑफ रोड के अंदर। नीचे आप जो है लिंक देख सकते हैं वीडियो का। बात करें रिश्ता का तो यहाँ पर 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, नंबर्स में काफ़ी बड़ा है और प्रैक्टिकल भी जो है ज़्यादा ही है। तो भैया यहाँ पर एक पॉइंट जाता है इसको, तो यहाँ पर भी हम एक पॉइंट दे देंगे एथर रिश्ता को। तो ये कुछ दोस्तों पॉइंट हमने डिवाइड कर दिए हैं सारे के सारे, आप देखते हैं टोटल जो है कितना हो रहा है किस गाड़ी का। तो भैया यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पॉइंट जो है जाते हैं TVS iQube को। बात करें रिश्ता के बारे में तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पॉइंट जाते हैं एथर रिश्ता को। TVS iQube को भी 8 है, इनको भी 8 है, भैया 8 ही है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो भैया ये तो मामला ड्रॉ हो गया। अब ड्रॉ हो गया है तो भैया मैंने पहले कंपेयर नहीं किया था या ऑटोमेटिकली ड्रॉ हो गया भैया, लेकिन इस अच्छी बात क्या लगी कि दोनों ही गाड़ियां जो है फैमिली के लिए बनाई गई हैं, फैमिली को ध्यान में रख के बनाई गई हैं। इसमें आपको जो है सबसे बड़ी सीट मिलेगी, तो इसमें भी कोई छोटी आपको नहीं मिलेगी, दो लोग आराम से बैठ जाओगे, कोई दिक्कत जो है नहीं आती है। दोनों ही गाड़ियां जो है अपनी जगह बहुत बढ़िया हैं, बहुत अच्छा सेल करती हैं, लोगों को जो है iQube का लुक पसंद आता है, TVS की सर्विस वगैरह पसंद आती है, इस वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा सेल हो रहा था। इस लुक के साथ जो है एथर रिश्ता को मुझे लगता है काफ़ी पसंद किया जाएगा, काफ़ी सेल होगी, तो ये भी गाड़ी जो है काफ़ी बढ़िया है। दोनों को हम जो है 8-8 पॉइंट पर यहाँ पर ड्रॉ रख रहे हैं। आपकी चॉइस क्या है आप मुझे कमेंट करके बताना। वैसे एक और जो सबसे बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है उसके बारे में आप बात कर लेते हैं दोस्तों। बात करते हैं प्राइसिंग की, क्योंकि प्राइसिंग जो है बहुत बड़ा गेम प्ले करता है खरीदने के अंदर के हम जो है कौन सी गाड़ी खरीदें। तो यहाँ पर iQube S की जो प्राइसिंग आती है वो आती है 1,47,000 कुछ रुपए जो है इसकी एक शोरूम प्राइस है टोंक राजस्थान के अंदर। स्टेट सब्सिडी जो है बाद का विषय है, 10,000 रुपए मिलती है, लेकिन वो जो है कब मिलेगी पता नहीं।
नहीं है तो उसको मैं माइनस नहीं करूंगा यहाँ पे। वेबसाइट पे जो है माइनस करके बताता है, ये जो है एक शोरूम प्राइस है 1,47,000 रुपये आई क्यूब एस की। बात करें एथर रिश्ता एस के बारे में तो यहाँ पर जो है इसकी एस वेरियंट की जो प्राइस आती है वो आती है 1,09,999 रुपये। तो दोस्तों दोनों गाड़ियों के प्राइस में जो है 37,000 का डिफरेंस है, और भैया 37,000 जो है डाउन पेमेंट देके आप जो है एक पेट्रोल वाली बाइक ले सकते हो, सिर्फ डिलक्स वगैरह जो है 70,000 की आ जाएगी, तो आप जो है वो ऑप्शन भी कर सकते हो मेरे हिसाब से पैसे बचा के। लेकिन अगर आपको टीवीएस आईक्यूब पसंद है, आपको हब मोटर चाहिए, आपको थोड़ा सा परफॉर्मेंस अच्छा चाहिए, आप प्लेन एरिया में रहते हो, ग्रेडेबिलिटी आपको ज़्यादा नहीं चाहिए, तो आईक्यूब भी जो है काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो जाता है। और टीवीएस की जो है नेटवर्क भी ज़्यादा बड़ी है एथर से कंपेयर करें तो आपको जो है ज़्यादा बेहतर सर्विस भी आपको मिलेगी, क्योंकि नेटवर्क जो है बड़ा है और फास्ट चार्जिंग आपको मिलता है। मतलब फास्ट चार्जिंग नहीं मिलता, लेकिन अगर हम नॉर्मल चार्जर से चार्ज करते हैं तो चार्जर जो है बड़ा मिलता है आपको टीवीएस आईक्यूब के अंदर। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है आईक्यूब के अंदर, इस वजह से इसकी ज़्यादा प्राइस होने की वजह से भी ये गाड़ी जो है ज़्यादा बिकती है। इसके अंदर आप जो है ज़्यादा बड़ा चार्जर लेने जाओगे तो 1,65,000 तक आपको जो है ये हो जाएगा एक शोरूम। तो ये सारी चीज़ें आपको जो देखने को मिलती है। आप मुझे कमेंट करना कि कौन सी प्राइस में आप जो है कौन सा स्कूटर लेना पसंद करोगे, कि आप 47,000 ज़्यादा रुपये दे के आईक्यूब एस लोगे, या फिर आप जो है 1,09,999 के अंदर इसको जो है बुक करवा दोगे, जुलाई में आप डिलीवरी ले लोगे। कॉमेंट करके जरूर शेयर कीजिएगा और अपना ओपिनियन जो है जरूर शेयर करना, आपको कौन सा स्कूटर जो है ज़्यादा बढ़िया लगता है कॉमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों इंस्टाग्राम पर आपने मुझे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिएगा, वहां भी अपडेट जो है आते रहते हैं। मिलेंगे दोस्तों फिर से किसी नए वीडियो में, किसी नई गाड़ी के साथ, किसी नए कंपैरिजन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राइड सेफ, राइड हार्ड, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।